Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached when I start to feel I'm attached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. Hey guys, तो कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रशर गेमिंग के और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं डेजर्ट ईगल से आप वन टैप कैसे मारे। आज की इस वीडियो में आपको डेजर्ट ईगल्स के कुछ वन टैप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, जिससे कि आप डेजर्ट ईगल्स के सिंपली वन टैप्स मार पाएंगे। आप जो भी शॉट्स मारेंगे वो सीधा बंदे के हेड पे जाके लॉक होंगे, वो सीधे आपके वन टैप कहलाएंगे। और सीधा आप जो भी शॉट मारोगे मतलब बंदे के हेड पे लगेंगे, बंदा मरेगा और दैट इज कॉल्ड वन टैप। सो इस वीडियो में पूरी लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो पूरी लास्ट तक टिप्स एंड ट्रिक्स ही दूंगा कि आप वन टैप मतलब मार कैसे सकते हो। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ, और लास्ट में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मिलेंगी। चलो छोटे से इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारी वीडियो हो चुकी है स्टार्ट, और इसमें आप सबको बताने वाला हूँ कि आपको आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। ओके, सो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है अपने यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन पहले मैं सेंसिटिविटी और भाई कंट्रोल्स के टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, उसके बाद मैं सभी दूंगा एमिंग वेमिंग सब की। अब सबसे पहले आप सेंसिटिविटी पे आओ, आपको जो जनरल और रेड डॉट है आपका, देख सकते हो जनरल और रेड डॉट को आपको पूरा 100 रखना है, मतलब 95 से ऊपर ही रखना है। मेरा 100 है सारी चीज़, आप भी 100 करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 100 से तो ड्रैग आपका अच्छी तरीके से होगा और आपका मूवमेंट भी काफ़ी तेज होंगे, मतलब थोड़ा हार्ड नहीं होगा, स्क्रीन स्मूथ होगी। और भाई उसके बाद आप कंट्रोल देख सकते हो, कंट्रोल्स पे आके आपको कस्टम हुड पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे। और अब भाई मैं बता दूँ, अब आपको जैसे कि देख सकते हो भाई ये फायर बटन है। सो ये फायर बटन सबसे पहले आपको रखना है, नीचे की साइड रखना है जहाँ पे मेरा, एक बार देख लो। और आपको अपना साइज 40 से 50 के बीच में रख सकते हो, क्योंकि जब आप ड्रैग करोगे ना, मतलब आप ऐसे ड्रैग करोगे तो आपका ऐसे ड्रैग होना चाहिए। अगर मानो आप ऊपर रखोगे तो ऊपर कैसे ड्रैग कर लोगे, ऐसे ही आप ड्रैग नहीं कर पाओगे। तो आपको फायर बटन आपको नीचे रखना है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई मैंने नीचे रख रखा है। सो आपको भी यहाँ पे ऐसे ही नीचे रखना है, और आपको सब अपनी सेंसिटिविटी रखनी है, और फायर बटन 40 से 50 के साइज़ में रखना है। अगर आप छोटा रखोगे, छोटे से भी ड्रैग अच्छा हो जाएगा, बट 40 से 50 मैंने अपनी साइड से बता रहा हूँ, आपकी मर्जी आप कितना रखना चाहें। और भाई दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि फायर बटन को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ड्रैग नहीं हो पाता। अब देखो साइज़ में जैसे कि बड़ा कर देता हूँ, सो उससे ड्रैग बहुत हार्ड होगा। और अब देखो जैसे कि साइज़ में छोटा करता हूँ, सो ड्रैग एकदम पूरा होगा। सो ऐसे ही आपको जैसे कि मैंने बताया फायर बटन 40 से 50 के बीच में रखना है और नीचे रखना है, ठीक है? चाहे आपका कोई सा भी डिवाइस हो, लो एंड डिवाइस और सभी बड़े डिवाइस सब में काम करेगी ट्रिक, ठीक है? सो चलो अब अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। सो गाइस, डेजर्ट ईगल की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम डेजर्ट ईगल से वन टैप बहुत ही आसानी से मार पाते हैं। बट गाइस, फिर भी बहुत सारे बंदों के वन टैप हेडशॉट्स नहीं लगते हैं, वो क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनके वन टैप हेडशॉट्स नहीं लगते हैं? सो गाइस, यहाँ पर आप समझ सकते हो आप क्या करते हो कि अपने एम को बंदे के ऊपर इस तरह रेड कर लेते हो, मतलब कि रेड कर लेते हो, और फिर अपने राइट फायर बटन को गलत तरीके से ड्रैग करते हो, ठीक है? इसकी वजह से आपके वन टैप हेडशॉट्स नहीं लग पाते। सो गाइस, डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट मारने में हमारी चार टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं। अगर गाइस आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को सीख लेते हो तो गाइस मेरी 110% गारंटी है आप वन टैप हेडशॉट बहुत ही ईजिली मार पाओगे। सो गाइस, बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट नंबर टिप के बारे में। हमारी फर्स्ट नंबर टिप है जो कि है डिस्टेंस। सो गाइस, क्या होता है कि कहीं बंदों यार लॉन्ग रेंज में रहकर इस गन से वन टैप हेडशॉट मारने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनके वन टैप हेडशॉट बहुत ही कम लग पाते हैं। और गाइस, लॉन्ग रेंज में बहुत ही कम चांस होते हैं कि आप वन टैप हेडशॉट लगे, आपके वन टैप हेडशॉट लगे। गाइस, ये गन शॉर्ट रेंज और मिड रेंज के लिए बेस्ट है, जिससे कि आपके यार वन टैप हेडशॉट बहुत ही ज़्यादा लगेंगे और बहुत ही ईजिली लग जाएंगे। सो गाइस, ये गन ना भाई शॉर्ट रेंज और मिड रेंज के लिए बेस्ट है, जिसके कि आपके वन टैप हेडशॉट बहुत ही ज़्यादा लगेंगे। और गाइस, आपको इस गन का यूज़ शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में यूज़ करना है, जिससे कि आपके हेडशॉट ईजिली लगे और बहुत ज़्यादा लगे। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं हमारी टिप नंबर टू की बात, जो कि है टिप नंबर टू एम। जो हमारी टिप नंबर टू है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, इसी की वजह से आपके हेडशॉट नहीं लग पाते हैं। आप क्या गलती करते हो गाइस, आपको जो एम होता है ना, आप उसको बंदे की बॉडी पर लॉक कर लेते हो, रेड कर लेते हो। आपको दिख रहा है ना रेड, और जब बंदे के ऊपर नहीं आता तो आपका वाइट रहता है। तो अगर आप इसको इस तरह से बंदे के ऊपर रेड कर लोगे और फिर फायर बटन को ड्रैग करोगे,
तो भाई आपका हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सो गाइज आपको रखना कहाँ है एम को। देखो गाइज यहाँ पर आप ध्यान से समझो, अपने एम को बंदे से थोड़ा सा दूर रखना है, मतलब उसके ऊपर रेड नहीं करना है। देखो गाइज देख लो यार एम को जो कि है बंदे के थोड़ा सा उसके पास रखना है, मतलब बंदे के रेड नहीं करना अपने एम को, मतलब यार अपने एम को रेड नहीं करना है आपको, उसे वाइट ही रखना है थोड़ा सा दूर, मतलब हल्का सा। यहाँ पे गाइज मैं आपको ओनली पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको ओनली पॉइंट समझा रहा हूँ, लास्ट में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पहले आप इन पॉइंट्स को समझ लो। तो गाइज आपको एकदम से अपने राइट फायर बटन को ड्रैग करते तो बंदे को एकदम से हेडशॉट लग जाएगा, ठीक है। तो गाइज आपको पता चल जाएगा एम को कहाँ पे रखना है, मतलब अच्छे से दूर रखना है उसके बंदे के, मतलब उससे दूर रखना है उससे एम को, मतलब ठीक है ना, उसे मतलब एम को अपने रेड नहीं करना है आपको, वाइट रखना है एम को, थोड़ा सा दूर रखना है, और फिर जिस साइड जिस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको एम को ड्रैग करना है। सो गाइज जो हमारी टिप नंबर 3 है वो है मूविंग बटन। ये गाइज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वन टैप हेडशॉट मारने के लिए। तो गाइज आप क्या करते हो, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं अपने मूविंग बटन को इस तरीके से खींचते रहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे स्क्रोम में खींच रहा हूँ आप देख सकते हो, और फायर बटन भी उसी टाइम खींच के रखते हैं, मतलब इसको भी खींच के रहते हो और फायर बटन को भी उसके साथ ही खींच के रहते हो। गाइज आपको फ्री करना है, आपको कैसे करना है, आपको मूविंग बटन को छोड़ देना है और फिर फायर कर बटन कर दबाना है, मतलब मूविंग बटन को आपको छोड़ देना है जब आप जिस टाइम आपको फायर करनी है ना, मतलब देखो जिस टाइम आपको ड्रैग करके बंदे को हेडशॉट मारना है तो आपको मूविंग बटन को अपने बिल्कुल छोड़ देना है, आपको सिर्फ मूविंग बटन को छोड़ देना है, उसके बाद अपने फायर बटन से ड्रैग करना है, ठीक है। मतलब जब तक आप हेडशॉट नहीं मार, मतलब एक गोली नहीं मार रहे उससे पहले आपको आप अपना मूविंग बटन चला सकते हो, बट उसके बाद जैसे आप हेडशॉट मारने के लिए मारे हो तो आपको एकदम अपना मूविंग बटन छोड़ देना है, ठीक है, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सो गाइस हमारी टिप नंबर 4 है फायर बटन। तो मैं आप सबको बताता हूँ आपको, मतलब बंदे का हेडशॉट मारने के लिए अपने फायर बटन को ड्रैग कैसे करना है। सो भाई जैसे कि मैं ड्रैग करता हूँ वैसे मैं आप सबको बताऊंगा कि आपको भाई फायर बटन को कैसे ड्रैग करना है, कैसे बंदे को हेडशॉट लगेगा। अब देखो आपको एक क्लिप देखो, अब ये क्लिप, अब जैसे मैं साइड भाग रहा हूँ, अब आप ये क्लिप देखना कि मैं कैसे ड्रैग कर रहा हूँ। अब जैसे ही देखो मैं यहाँ से मैंने जंप लिया और मेरा फायर बटन देखो, और मैंने ऐसे ड्रैग किया एकदम नीचे से ऊपर की साइड ड्रैग किया। एक बार मेरे फायर बटन की साइड भी देख लो मैंने कैसे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं मतलब पूरा किस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ देखो, अब नीचे से, अब एक बार यहाँ पे नीचे मेरा फायर बटन आ गया, मैंने देखो ड्रैग कैसे किया और एकदम बंदे को हेडशॉट लग गया, ऐसे ही मैंने बंदा हेडशॉट मारा। और एक बार आप इस चीज़ को एक बार आप फिर से देख लो। सो गाइस आप लोग एक बार फिर से देख लो कि मतलब मैं बंदे को कैसे हेडशॉट मार रहा हूँ। अब देखो मैं इस साइड आया, अब मेरा फायर बटन देखो एकदम नीचे था और मैंने एकदम ऊपर की साइड ड्रैग किया और बंदे को हेडशॉट लग गया। अब आपको ड्रैग कैसे करना है, आपको देखो जब का फायर बटन है उसका बिल्कुल नीचे की साइड उसका अपना अपने थंब को रखना है, और जिधर की साइड भी बंदा मतलब भाग रहा है उस साइड ड्रैग कर देना है। अब जैसे बंदा सामने की साइड था तो आपको बिल्कुल सीधा ऊपर की साइड ड्रैग कर देना है। अब बंदा अगर आपके राइट साइड में भाग रहा है तो आपको राइट में ड्रैग कर देना है, अपने राइट साइड ड्रैग कर देना। अगर लेफ्ट में भाग रहा है तो आपको लेफ्ट साइड ड्रैग करना है, जिधर भाग रहा है उधर ही ड्रैग करना है। सो गाइस जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि भाई मैं आप सबको पहले पॉइंट समझा रहा हूँ, उसके बाद सारा कुछ बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आप सबको सबसे पहले बताता हूँ, आपने गाइस सब कुछ सीख लिया है, जैसे कि फायर बटन और भाई जैसे कि मूविंग बटन और भाई फायर बटन सीख लिया है आपने, और भाई एम और भाई मतलब सब कुछ सीख लिया आपने, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में सब कुछ टिप्स दिए पॉइंट्स की। अब मैं सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ बताऊँगा आपको, Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached when I start to feel I'm unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't ask.